वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। साथियों, आज होली का पर्व है। इस अवसर पर हम लोग आज गंगा स्नान करने आए थे। आप लोग को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए प्यारे दोस्त, आज जो है हम गंगा स्नान करने के लिए आ गए हैं और ये पीछे देख रहे हैं कि हमारे गंगा जी हैं। और यहाँ पर जो है हम सवेरे सवेरे मॉर्निंग में चले, थोड़ा दौड़ धूप भी लगाए हैं और उसके बाद चले आए हैं। बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं अपने गांव अपनी धरती तो पाकर। ये जो है हमारा दृश्य, जो पर्यावरण है, इतना मज़ेदार दृश्य है कि मत पूछिए। देखते हैं सुनहरी जो है रंग में गेहूँ लगा हुआ है पीछे, तो उस गेहूँ जो है पच चुके हैं और तो उस गेहूँ ऐसे है। ये देखिए, ये पीछे जो है अलसी, जिसको कहते हैं आप जो है तीसी बोलते हैं उसका, ये इधर तीसी का जो पेड़ देख रहे हैं। इसी तरह से जो है बहुत सारा पर्यावरण है। इसके बाद आप तो हम गंगा आता तो उस दृश्य भी नदी से जाते हम दिखाएंगे और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा थे। अभी जो है हम चौर, जिसको चौर बोलते हैं, चौर का मतलब क्या होता है आज हम आप तो समझाने जाएंगे, ठीक है। चौर और दियर दो शब्द हैं और इसको हम बोलते हैं दियर ना सर। हाँ, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम दियर की बात समझाएंगे। दियर और दियारा, ये दोनों शब्द तो है एक ही शब्द है, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ते बोला जाता है। जैसे नाम है पिंटू तो पिंटू बा बोल देता है, नाम है सतीश तो सती बा बोल देता है। तो इस तरह से इसको भी तोड़ मरोड़ते बताया जाता है। तो इसमें होता क्या है हम बताते हैं। जब गंगा की पानी तट तो छोड़ करते आस पड़ोस के हिस्से में फैल जाती है, तो स्थिति वहाँ ये हो जाती है कि जहाँ पर टीला रहता है ना, दूर से देखने पर दिया की समान नज़र आता है। यानी कि हेलीकॉप्टर से जब देखे जा या फिर कहीं से ड्रोन से देखे जा तो दिया की समान आकृति नज़र आती है। जो दिए की समान आकृति नज़र आती है इसीलिए उसको बोल दिया जाता है दियारा। और ये जो है बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से इसको बता रहे हैं, ये बिल्कुल जो है किताबों में लिखा हुआ है। जब आप हायर स्टडी कीजिएगा तो वहाँ पर पता चलेगा। अब देखिए, हमारे सवालों में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये गेहूँ पकते समय कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो नॉर्मली ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है, जिसको हम आप तो बता रहे हैं। ये देखिए कितना सुनहरा सा दृश्य लग रहा है। उसके बाद जाता है इस सब के बारे में थोड़ा जानकारी। उसके बाद जो है ये गंगा की तट से जो है लगभग जो है 3 किलोमीटर तक कोई परिवेश कोई गृह नहीं होना चाहिए। तो हमने तुझ जानकारी देने की कोशिश किया आप लोगों को। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो तो शेयर कर दे और जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये देखिए गंगा की पानी का नज़ारा हम दिखा रहे हैं, तो आप जो है देखते रहें। तब के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस तरह से है आप भी देख सकते हैं। धन्यवाद, फिर दोस्तों मिलेंगे।